ओके गाइस, अगर आप लोग 2021 में कोई बेस्ट रेफ्रिजरेटर ढूंढ रहे थे एंड योर बजट इज अराउंड 25,000 रुपीज एंड इस बजट पे आप कंफ्यूज हो कि कौन सा रेफ्रिजरेटर आपके लिए परफेक्ट रहेगा, तो आज की इस वीडियो को जरूर देखना। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे बेहतरीन और कमाल के रेफ्रिजरेटर जो कि आपको 25,000 रुपए के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं। ये रेफ्रिजरेटर आपको एक कमाल की कूलिंग के साथ में काफी स्मार्ट फीचर्स भी प्रोवाइड कर देते हैं। अभी सारे रेफ्रिजरेटर की लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी, सो दैट आपको कहीं भी भटकना ना पड़े। ऑल दो गाइस, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, नीचे बेल आइकन को भी दबा दो सो दैट आप किसी भी वीडियो को मिस ना करो। बाकी गाइस चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल गाइस, लिस्ट में नंबर 5 पे जो रेफ्रिजरेटर स्टैंड करता है वो आपको गोदरेज की तरफ से मिल जाएगा। गोदरेज की तरफ से आने वाला ये रेफ्रिजरेटर आपको 260 लीटर्स की एक मिडल कैपेसिटी प्रोवाइड कर देता है, जहाँ पे इसका जो प्राइस है ना वो अराउंड 24,000 रुपीज आपको देखने को मिलता है। वेल इस प्राइस रेंज पे ये रेफ्रिजरेटर आपको 3 स्टार की एनर्जी रेटिंग प्रोवाइड कर देगा। ये एक इन्वर्टर फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर है, जहाँ पे आपको 6 तरह के अलग अलग फ्रीजर मोड्स देखने को मिल जाते हैं। तो आप अपनी के हिसाब से अलग अलग फ्रीजर मोड सेलेक्ट कर सकते हो। अब क्योंकि ये एक इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आता है तो आपको एनर्जी एफिशिएंसी काफी हद तक अच्छी मिलती है, काफी ज्यादा ड्यूरेबल है और उसके अलावा साइलेंट ऑपरेशंस करता है, तो यहाँ पे जो नॉइज लेवल है ना वो काफी कम रहेगा इस फ्रीज का। अभी अगर इसके इंटीरियर की बात करूं तो नीचे की तरफ आपको वेजिटेबल बॉक्स देखने को मिल जाएगा। काफी प्रीमियम सा इंटीरियर डिजाइन किया हुआ है इसका, ग्रे कलर के एक सिंपल और प्रीमियम से लुक में आपको देखने को मिल जाएगा। वारंटी की बात करूं तो 1 ईयर की वारंटी आपको प्रोडक्ट पे मिल जाएगी एंड 10 ईयर्स की वारंटी आपको इसके कंप्रेसर के साथ मिलती है। वेल 24,000 रुपीज इसका प्राइस है, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बिलो। गाइस लिस्ट में नंबर 4 पे जो रेफ्रिजरेटर आता है वो वर्लपूल की तरफ से आ जाता है। वर्लपूल की तरफ से आने वाला ये रेफ्रिजरेटर आपको काफी प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर देता है, जहाँ पे ग्रे एंड ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन ग्रेडियंट लुक में आपको देखने को मिलता है, जो कि आपके किचन की लुकिंग को काफी ज्यादा एनहेंस करेगा। ये रेफ्रिजरेटर आपको 265 लीटर की कैपेसिटी के साथ में 2 स्टार की एनर्जी रेटिंग प्रोवाइड करता है। बट यहाँ पर जो इसका कंप्रेसर है ना वो काफी ज्यादा एनर्जी एफिशियंस है। उसके अलावा ये भी एक फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर है, जो कि आपको ग्लास डोर के साथ मिलता है। जी हाँ, इसका जो डोर है ना उसका जो लुक है वो कम्प्लीटली ग्लास ही है। इसके अलावा इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ तो वो भी काफी ज्यादा प्रीमियम सा लुक आपको मिल जाएगा। नीचे वेजिटेबल ट्रे, साइड में आपको काफी सारे बॉटल गार्ड्स एंड ऊपर चिलर ट्रे वगैरह सब कुछ मिलता है। अभी बात करूँ कुछ स्पेशल फीचर्स की तो सबसे पहले 6 सेंस डीप फ्रीज टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जो कि आपको वर्लपूल के लगभग सभी फ्रीज में मिलती है। वेल ये जो टेक्नोलॉजी है ये हेल्प करती है फ्रीज को काफी ज्यादा टाइम तक फ्रीज ही रखने में, मतलब कि अगर फ्रीज बंद भी हो जाता है ना तो 6-9 घंटे तक ये फ्रीज उसको स्टैंड बाय मोड पे रखता है, जहाँ पे जो ठंडक है फ्रीज के अंदर वो बनी रहती है। इसके अलावा 12 डेज ऑफ गार्डनेस फ्रेशनेस मिलती है, जहाँ पे आपको फ्रीज को बार बार साफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फ्रेश फ्लो एयर टावर मिल जाता है, फ्लेक्सी बैंड्स मिलते हैं जो कि यूजुअली फ्रीज के अंदर की एयर को बाहर नहीं जाने देते। उसके अलावा माइक्रो ब्लॉक मिलता है जो कि बैक्टीरियल एक्टिविटीज को काफी ज्यादा रिड्यूस कर देता है। उसके अलावा आइस ट्विस्टर, आइस कलेक्टर जैसी काफी सारी चीजें और मिल जाती हैं। वेल जिनको काफी ज्यादा स्पेशल फीचर्स के साथ में कोई रेफ्रिजरेटर चाहिए एंड लुक वाइज भी काफी अच्छा होना चाहिए, वो लोग 25,000 रुपीज स्पेंड कर सकते हैं इस वाले रेफ्रिजरेटर के ऊपर। एट नंबर 3 आपको देखने को मिलता है सैमसंग की तरफ से आने वाला ये डबल डोर रेफ्रिजरेटर, जो कि आपको 244 लीटर की कैपेसिटी के साथ 3 स्टार की एनर्जी रेटिंग प्रोवाइड कर देता है। वेल ये डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ में आता है, जो कि कंप्रेसर की स्पीड को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा कूलिंग डिमांड के हिसाब से। अभी इसका जो कंप्रेसर है वो एक इन्वर्टर वाला है, सो दैट आपको यहाँ पे जो एनर्जी एफिशिएंसी है ना वो काफी ज्यादा अच्छी मिलने वाली है। स्पेशल फीचर्स इसमें आपको कर्व मैस्ट्रो मिल जाता है, डिजिटल डिस्प्ले मिल जाए जो कि सामने की तरफ आपको मिलता है। इसके जो सेल्फ्स हैं वो स्लाइडेबल हैं, इजीली स्लाइड कर पाओगे आप। इसका जो इंटीरियर है ना वो भी काफी प्रीमियम सा आपको देखने को मिलता है। वेल सैमसंग जैसे ब्रांड की तरफ से आता है तो आप सोच ही सकते हो कितना ज्यादा प्रीमियम होगा। बाकी प्राइस की अगर मैं आपसे बात करूं तो फिलहाल इसका प्राइस 25,800 रुपीज आपको देखने को मिलता है अमेज़न के ऊपर।
अभी गाइस लिस्ट में नंबर 2 पे जो रेफ्रिजरेटर आता है वो आपको एलजी की तरफ से मिल जाएगा। एलजी की तरफ से आने वाला ये रेफ्रिजरेटर भी डबल डोर रेफ्रिजरेटर है जो कि एक फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर है और यहाँ पर आपको 260 लीटर की कैपेसिटी के साथ में 3 स्टार की एनर्जी रेटिंग मिल जाती है। वेल ये एक स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आता है तो एनर्जी एफिशिएंसी आपको बाकी फ्रीजेस के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छी मिलेगी। इस वाले में कुछ स्पेशल फीचर्स आपको मिल जाएंगे लाइक आइस बीम डोर कूलिंग, टेम्परेचर कंट्रोल मिल जाता है जो कि टेम्परेचर को ऊपर जाने से रोकता है, काफी हद तक कंट्रोल कर लेता है। उसके अलावा स्मार्ट डायग्नोसिस मिल जाता है जो कि आपको बताता है फ्रीज में अगर कोई भी कमी होती है उसको, स्मार्ट कनेक्ट मिल जाएगा, फास्टेस्ट आइस मेकिंग मिल जाती है, चिलर जोन मिलता है, डिओडोराइजर मिलता है जो कि हेल्प करता है फ्रीज के फ्रेशनेस को बनाए रखने में, बाकी अलग अलग काफी सारी चीजें मिल जाती है आपको इस रेफ्रिजरेटर के अंदर। बाकी 1 ईयर वारंटी प्रोडक्ट के ऊपर एंड 10 ईयर वारंटी कंप्रेसर के ऊपर सभी फ्रीजेस में मिलेगी। इसका प्राइस अराउंड 26,000 रुपीज मिलता है। तो अगर आपको इस प्राइस रेंज पे कोई ऐसा रेफ्रिजरेटर चाहिए जो कि एनर्जी एफिशिएंस होने के साथ साथ आपको काफी हद तक अच्छे अच्छे स्मार्ट फीचर्स भी प्रोवाइड करे तो आप एलजी की तरफ से ये रेफ्रिजरेटर ले सकते हो। ब्रांड वैल्यू के साथ साथ फ्यूचर प्रूफ रेफ्रिजरेटर आपको देखने को मिल जाता है। अभी गाइज लिस्ट में नंबर 1 पे जो रेफ्रिजरेटर आता है वो आपको वर्लपूल की तरफ से मिल जाएगा। वर्लपूल की तरफ से आने वाला ये फ्रीज आपको एक मल्टी डोर रेफ्रिजरेटर मिलता है जहाँ पे आपको एक नहीं दो नहीं 3 डोर्स मिल जाते हैं। 240 लीटर्स की कैपेसिटी के साथ में आपको काफी ज्यादा एनर्जी एफिशियंट रेफ्रिजरेटर मिलता है जहाँ पे इसकी जो बिजली है ना, अगर मैं आपसे उसकी बात करूं तो वो एक 60 वॉट के CFL से भी ज्यादा कम कंज्यूम करती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी कम बिजली ये फ्रीज लेता है। वेल इसका जो लुक है ना काफी ज्यादा प्रीमियम और हटके देखने को मिलता है आपको, तो आपकी किचन की शोभा को काफी हद तक बढ़ा देगा ये वाला रेफ्रिजरेटर। सभी तरह के स्मार्ट फीचर्स देखने को मिल ही जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको इंटीरियर जो है ना वो काफी ज्यादा प्रीमियम मिलता है इस रेफ्रिजरेटर का। वेल फ्रॉस्ट फ्री होने के साथ में यहाँ पे आपको हनीकॉम डिजाइन मिलता है, मॉइस्चर कंट्रोल सिस्टम मिल जाएगा, माइक्रो ब्लॉक टेक्नोलॉजी मिलती है जो कि प्रिवेंट करती है 99% बैक्टीरियल ग्रोथ को। उसके अलावा ऑलमोस्ट 12 दिनों तक आपको इस रेफ्रिजरेटर में फ्रेशनेस मिल जाती है। वेल अगर मैं आपसे प्राइस की बात करूं तो 25,400 रुपीस के प्राइस रेंज पे आपको देखने को मिलता है। नंबर 1 पे आने का जो रीजन है वो है इसका प्रीमियम ब्रांड के साथ साथ काफी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंस होना, और उसके अलावा यहाँ पे आपको 6 सेंस टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ मिलेगा। बाकी मल्टी डोर होना भी एक काफी ज्यादा अच्छी बात है इस रेफ्रिजरेटर के लिए। ऑलमोस्ट 4-5 कलर्स में आपको देखने को मिलता है। लिंक्स आपको सभी की देखने को मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाके आप चेकआउट कर पाओगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट में ये भी बताओ कि इनमें से कौन सा रेफ्रिजरेटर आप ऑलरेडी परचेस कर चुके हो, यूज कर रहे हो या आपके किचन में रखा हुआ है, या फिर कौन सा रेफ्रिजरेटर आप इन फ्यूचर खरीदने वाले हैं। वेल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से जल्दी ही किसी नई वीडियो में किसी नए गैजेट के साथ में।